आज के जमाने में यूट्यूबर्स थोड़े रोस्ट कर रहे हैं टिकटॉकर्स को, इस पर तुमको क्या कहना है भाई? भाई देखो, दोनों प्लेटफॉर्म अपनी जगह है, वो यूट्यूब है और ये टिकटॉक है। उसके कंटेंट बहुत अलग होते हैं यूट्यूब के, और टिकटॉक के कंटेंट बहुत अलग होते हैं। मतलब यूट्यूब में तो पूरी पूरी मतलब पूरा सेटअप लग जाता है अगर कोई एक अच्छा सा कंटेंट बना के उसे अपलोड करना है अच्छे चैनल पे। और टिकटॉक पे एक नॉर्मल फोन लगता है, लाइक्स लगती है, मगर ऐसा है कि ये प्लेटफॉर्म पे टिकटॉक पे भी मेहनत है। अगर आप ट्रांजिशन वीडियो की बात करोगे तो ट्रांजिशन में भी टाइम लग जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब यूट्यूबर्स जो बहुत सारे टिकटॉकर्स को जो रोस्ट कर रहे हैं ना, मतलब वो टिकटॉकर्स को कर रहे हैं जो मतलब कुछ भी नहीं बनाते हैं, और लोग कभी कभी लोग पसंद कर लेते हैं उन्हें, तो वो उनका रोस्ट कर रहे हैं। कितने 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 मतलब टिकटॉकर जैसे भी है जो मतलब अभी अभी नए नए आए हैं मार्केट में, और उन्हें मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। अब वो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, अब वो लोग उधर के उधर वो पसंद करेंगे वो जो भी करें, मगर कभी कोई दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म को देख के भी ये लगेगा कि यार मतलब इधर पे तो किसी को भी कुछ भी फेमस किया जा रहा है, मतलब कुछ भी बताया जा रहा है, ऐसा है। तो हर प्लेटफॉर्म में मेहनत है, यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा मेहनत है। यूट्यूब में अगर एक कोई कंटेंट अगर बनाना है अच्छे से, अगर साथ में पूरी टीम के साथ में, तो बहुत टाइम लग जाता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, क्लीन कंटेंट पूरा जाता है, तो मतलब उसमें भी मेहनत है और इसमें भी मेहनत है। अच्छा मुझे बताओ, तो आपको लगता है ये YouTube वर्सेस TikTok जो रोस्ट करे वो सब नहीं होना चाहिए नहीं हर, नहीं है ना? नहीं नहीं जरा भी नहीं होना चाहिए। और रोस्टिंग होती है ना, तो रोस्टिंग कैसी होती है पता है, मेरी भी हुई थी, और मैंने वो मतलब मेरा जो रोस्टिंग मैंने देखा था ना, वो मेरे को देख के ना हंसी आई, मुझे मेरा कंटेंट देख के हंसी आई, तो वो रोस्टिंग है। मतलब हाँ यार, किसी ने रोस्ट किया है, मतलब अच्छा लगता है यार, क्या हमेशा क्या वाह वाही लो, कभी खुद की बुराई भी सुनो, मगर खुद की बुराई भी ऐसी जो हंसी में बदल जाए, तो वो अच्छा लगता है देख के। रोस्टिंग तो ऐसा हो गया है कि मतलब अच्छा नहीं लगता है आज के टाइम में, मतलब रोस्टिंग ऐसा नहीं होना चाहिए जो गाली गलौज हो रही है, और मतलब गाली दिया जा रहा है लड़कियों को, कुछ भी बोला जा रहा है, और अलग तरीके से बताया जा रहा है जैसा होना नहीं चाहिए, तो ये चीज गलत है। अब मुझे बताओ, तुम YouTube पे आना चाहते हो, अपना चैनल खोलना चाहते हो कि नहीं खुद का? हाँ, इंशाल्लाह मेरा मतलब यही रमजान में मैं चैनल खोल लूंगा इंशाल्लाह। कौन से यूट्यूबर्स को तुम थोड़ा फॉलो करते हो? अरे मतलब कोई यूट्यूबर्स में तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे आशीष चंचलानी है और भुवन बम है, तो मतलब इनके तो कंटेंट नेक्स्ट लेवल होते हैं, मगर थोड़ा अडल्ट कंटेंट होते हैं, तो और भी बहुत सारे बहुत सारे। और मतलब इंशाल्लाह मैं भी आऊंगा तो कुछ ना कुछ अलग ही करूंगा। पहले तो कोई एक पर्टिकुलर यूट्यूबर ने रोस्ट किया टिकटॉक वाले लोग को, जिसके अंदर उसने लड़कियों को बॉडी शेमिंग किया और फालतू बातें थे टिकटॉकर्स लोग को लेके रिलेटेड। तो मेरा पहली तो बात ये बोलना है कि तुम रोस्ट, पहली बात इंडियन कल्चर नहीं है रोस्ट करना किसी को, वो फॉरेन कंट्री से लिया गया हुआ है। और फिर उसके बाद अगर तुम कोई लड़की को बॉडी शेम करते हो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए या एंटरटेन करने के लिए या व्यूज़ के लिए या कोई भी पर्पज़ के लिए, तो ये गलत है। अगर तुम किसी को रोस्ट भी कर रहे हो तो यार करो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यार वो मर्यादा और लिमिट्स रख के करो कि कोई पर्सनली ना ले, उनको बुरा ना लगे। यार तुम बहुत लोग रोस्ट करते हैं लेकिन वो अच्छा भी करते हैं ना। कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा था मैं कि तुम बड़े हो हम छोटे हैं, बड़े छोटे, ऐसा मैंने बोला कि एंगेजमेंट की बात है तो फैक्ट है कि हमारे एंगेजमेंट आज के टाइम पे हाई है क्योंकि लोगों को टिकटॉक पसंद है, पसंद है। पहले सेलिब्रिटीज नहीं थे प्लेटफॉर्म पे, सेलिब्रिटीज आ गए, यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आ चुके। तो ये रोस्टिंग कम्युनिटी जो है, कौन सी बात से तुमको प्रॉब्लम हो गई थी और चिढ़ हो गई थी? अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हैं जो गाली गलौज कर रहे। ये टॉपिक था टिकटॉक और यूट्यूब, बट तुमने इसको रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। तुम बोल रहे हो कि रमजानी एक अच्छा टाइम है, तुम्हारी बजाऊंगा क्योंकि तुम बोल नहीं पाओगे। कम ऑन, ये कौन बोलता है यार? ये सोशल मीडिया को यूज करके हमको पीस, लव और ह्यूमैनिटी स्प्रेड करना है। आज इंडिया में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना वायरस है और बहुत सारी चीजें, तो ये चीजों के बीच में हम लोग रिलीजन क्यों ला रहे यार? जो प्योर हिंदू प्योर मुस्लिम, दे आर टुगेदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर, उन लोग साथ में रह रहे। तो तुम जैसे गूंज की वजह से मेरे को नहीं चाहिए कि ये यूनिटी खराब हो लोगों की। यूनिटी मत खराब करो यार, कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, अरे ये टॉप पे क्यों जा रहा है, उसको रोस्ट करो, ये क्यों कर रहा है, वो ऐसा ऐसा, ये सब चीज़ों में हिंदू मुस्लिम क्यों ला रहे हो? अभी मैंने वो लक्ष्य चौधरी, बेसिकली एक लड़का है जो रोस्टिंग कम्युनिटी से यूट्यूब पे है और इंस्टा पे वो अपनी स्टोरी में डाल रहा है खेतों में जाके गाली गलौज कर रहा है मेरे को। भाई यार तू बड़ा इंसान है, तू गाली देके एंटरटेन कर सकता है लोगों को, मैं नहीं कर सकता। तू मेरे को गाली देके तेरे को खुशी मिल रही है और गाली दे तू भाई, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तू टीम 07 को गाली दे रहा है क्या? तू पहचानता है वो अदनान कौन है? अदनान पागल सा एक बंदा है, अगर वो बोल दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और गाइस जहां जहां तुमको लगता है कि कोई बंदा हेट फैला रहा है, अनफॉलो और रिपोर्ट करो, बात ही खत्म करो। अगर तुमको लगता है कि कोई हेट फैला रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तुमको नहीं पसंद आ रहा है, कोई लड़की की इज्जत नहीं कर रहा है, अनफॉलो करो। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा बहुत चल रहा है लाइफ और हेट बॉस हो रहा ये था थोड़ा ज्यादा बहुत। हो रहा है और ज्यादा होएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो बोल रहे हैं ना, ये कुछ लोगों के वजह से सबको बोल रहे हैं,
इन लोग जाहिल लोग हैं, इन लोग एक तो पहली बात तो जितना जेलस जितना हेट फैलाने में टाइम निकाल लगा रहे इन लोग, वही टाइम अगर इन लोग खुद को ग्रूम करने में लगाएंगे, थोड़ा वर्कआउट करेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे हेल्दी, तो शायद इन लोग अपना खुद का फोटो कवर में डाल के यूज करके व्यूज कमा सकते हैं, फिर हम लोग का वीडियो हम लोग का कवर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली यार, मतलब अदनान हैव यू सीन सब थंबनेल्स में सिर्फ टिकटॉकर्स के फोटो डाले? मैं ये देख रहा हूँ कि अभी हम लोग के ग्रुप का नाम लिया गया, मेरे ग्रुप का, कि इन लोग का बैकग्राउंड क्या है, इन लोग की हैसियत क्या है, तो हम लोग की हैसियत बताने वाले इन लोग कोई नहीं है। अभी कुछ मत बोलो, रमजान का महीना है, अल्लाह इन लोग को अकल देवे, बस यही दुआ करेंगे अपन सबके लिए। इन लोग जाहिल लोग लड़कियों को भी रोस्ट कर रहे हैं, और रोस्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, रोस्ट भी एक करा जाता है यूट्यूब पे, इन लोग कर रहे हैं चैनल, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको गाली नहीं देते इन लोग की माँ बहन को, इन लोग लगता है इज्जत नहीं देते हैं, इन लोग की तरबियत वैसी मिली है इन लोग वो खानदान से, इससे पता चलता है कि इन लोग का बैकग्राउंड क्या, तरबियत दिया इन लोग को, तो इससे गंदा करके मतलब नहीं है। मेन सबसे ज्यादा मेरे को बुरा क्या लगा, दो चार लड़कियां हैं जो टिकटॉकर्स है, मैं सबका नाम मेंशन नहीं करूंगा, मगर समझने वाले समझ जाएंगे कि इन लोग उन लोगों को गालियां दे रहे हैं गंदी गंदी माँ बहन की, इन लोग या तो फिर अपनी माँ बहन से भी वैसी बात करते रहेंगे, तभी ये दूसरी की लड़की की माँ बेटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, तुम लड़कियों के साथ रोस्ट कर रहे हो ठीक है, रमजान का महीना तुम गालियां दे रहे हो, अगर कोई ज्यादा ज्यादा टेंशन में चली गई, प्रॉब्लम हो गया, मेंटली स्ट्रेस हो गया, तो फिर कुछ खुदा ना खास्ता कर ले, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? और जो लोग गालियां दे रहे हैं माँ बहन को, लड़कियों को, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इग्नोर करो वैसे लोगों को, रिपोर्ट करो आप जाके। एग्जैक्टली जो कोई गलत बात कर रहा है गाइस, गाली गलौज कर रहा है, रिपोर्ट करो और खत्म करो, और बिल्कुल उनको बढ़ावा मत दो। चलो मैं ओपनली नाम लेता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, एल्विश वॉज द गाय, एल्विश यादव, जिसने रोस्ट चालू किया था पहले, और उसके बाद उसका एक फ्रेंड है कोई तो लक्ष्य चौधरी, और वो बंदा लक्ष्य जो चौधरी है, मैं एल्विश से बात करूं तो मेरे को समझ में आता है मेरी और एल्विश की बातें और वो कम्युनिटी की बातें, ये लक्ष्य क्या क्यों बीच बीच में पढ़ के गाली गलौज कर रहा है सबको, खेत में जा रहा है, बंदर जैसा कूद रहा है, और ये अपने यूट्यूब के वीडियोज में ये लक्ष्य चौधरी बोलता है कि वी आर रियल इन्फ्लुएंसर्स, तो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कि माँ बहन की गालियां दो, ये सब फालतूगिरी करो, हेट फैलाओ। सही में एक बात बोलूं मैं एल्विश, मेरे को ना तेरे से कोई हेट नहीं है भाई, ना मेरे को तेरे से कोई तकलीफ है, ना मेरे को तेरे से कोई प्रॉब्लम है। एक टाइम था मैं जब तेरे वीडियोस देखता था, तू अच्छे खासे वीडियोस बना रहा था, भले तू किसी को कॉपी कर रहा था, कैसे भी वीडियोस बना रहा था, अच्छे वीडियोस बना रहा था, वेर तू एक्टिंग करता था, तेरा कंटेंट अच्छा था, क्या जरूरत थी ये रोस्टिंग वोस्टिंग करके आने के लिए इधर, अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा रखता। और मेरे को बहुत लोग बोल रहे कि वी आर वेटिंग फॉर कैरी मिनाटी का वीडियो, लेट कैरी मिनाटी रोस्ट आमिर सिद्दीकी, ओके इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी कि कैरी मिनाटी मेरे को रोस्ट करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा यार कि मैं वो बंदे को देखा हूं, मैंने उसके वीडियोस में, एक अवार्ड शो में उसके बाजू में बैठा हुआ था, मेरे को मालूम है, तो आई विल बी वेरी प्राउड कि मेरे को रोस्ट करेगा, अच्छा लगेगा, मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ। सोचो एक टिकटॉकर के लिए इतने सारे यूट्यूबर्स लोग ने वीडियो बना दी, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या हुआ, बनाया ना एक बंदे ने, तो सोचो अगर सारे टिकटॉकर्स बोलने लग जाएंगे तो क्या होगा। और मैं ये एल्विश को भी बोलना चाहूंगा, एल्विश मेरा भाई, मेरे को तेरे से कोई हेट नहीं है, आई यूज टू सी योर वीडियोज, एंड जब तू अच्छे वीडियोज बनाता था स्कूल लाइफ और ये सब वीडियो दिखाता था, खाली फोकट रोस्टिंग पोस्टिंग करके गाली गलौज करके क्या मिल रहा है तेको, तू खुद भी तो टिकटॉक पे है, तूने खुद ने भी, तू अगर क्रिंज बोल रहा है, कूड़ा कचरा बोल रहा है टिकटॉकर्स लोग का उठा के तू दिखाएगा, तो तूने भी तो टिकटॉक पे वही सेम वीडियोस बनाया, लिपसिंग किया है, क्यों किया, अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम थी कूड़ा कचरा उठाना था, तो तेरा कूड़ा कचरा पहले तो उठाना।